राधे राधे फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंपली पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है। हमारी पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है और सी ऑल पर आपको क्लिक करना है और बैकग्राउंड आपको ले लेना है एक। इस पर बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी PNG या कुछ भी मैं इसमें ऐड करूँगा उसका लिंक आपको सिंपल तरीके से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं। तो चलते हैं, हम वो बैकग्राउंड ले लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमने बैकग्राउंड ले लिया है। बिल्कुल ST बैकग्राउंड है, बढ़िया तरीके से, कितना बढ़िया लग रहा है बैकग्राउंड। तो अब आपको ऐड फोटो पर सिंपली क्लिक करना है, साइड स्क्रॉल करना है आपको। एक आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखेगा सिंपली नीचे, तो सिंपली आपको गाइस उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ोटो ले लेने हैं, जो भी आपको इसमें लगाने हैं। राधा कृष्ण का फ़ोटो ले लेना है, ये आपको पिंटरेस्ट में आसानी से मिल जाएगा, राधा कृष्ण के फ़ोटो। तो वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली, आप देख सकते हैं हमने फ़ोटो ऐड कर लिए हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं हम फ़ोटो पर, और इसकी लेंथ को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं इसकी लेंथ को हम, और इतना सही लग रहा है। और अब आपको ऊपर एक इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको हार्डनेस को थोड़ा कम कर देना है, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है, और साइज़ को भी थोड़ा कम कर देना है, और हार्डनेस को थोड़ा इनक्रीज कर देना है। फिर आपको इस पर इसको रिमूव कर देना है, ऐसे साइड से आपको ऐसे रिमूव कर देना है। हार्डनेस को थोड़ा इनक्रीज कर देना है, फिर आपको ऐसे साइड से हल्के हल्के रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा रिमूव हो रहा है, कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है। अब आपको देख सकते हैं प्रोफेशनल लग रहा है। हार्डनेस को थोड़ा हम कम कर देते हैं, फिर आपको फिर से करना है। अब आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है हमारा, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बादलों में लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, प्रोफेशनल। और अब आपको डन पर क्लिक कर देना है सिंपली। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको फ़ोटो ले लेना है एक। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये ले रखा है, इसकी लेंथ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं इतना सही लग रहा है, इतना रख लेते हैं इसकी लेंथ को हम, और यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको ऊपर डन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको एक ऐड फ़ोटो का सिंपली फिर से ऑप्शन दिखेगा। आपको मैंने बताया था यहाँ पे ऐड फ़ोटो के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक PNG ले लेना है, 2-3 PNG हम ले लेते हैं जो भी हमने डाउनलोड किया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में सिंपली मिल, आप देख सकते हैं 5 PNG हमने साथ में ले लिए हैं। अब आपको सबसे पहले कि इस पर क्लिक करना है, ये इसको लगा लेना है आपको सिंपली। यहाँ पर लगा देते हैं हम कि थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको सिंपली लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये लग चुका है। फिर आपको इस पर मोरपंख पर क्लिक करना है, इसको आप ये आपको छोटा करके और थोड़ा ऐसे करके इसको भी हम लगा देते हैं सिंपल तरीके से। और आप देख सकते हैं अब आपको इरेज पर क्लिक कर देना है सिंपली। ऊपर इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम नीचे से इरेज कर देते हैं, जो भी साइड में पार्ट है इसको हम सिंपली इरेज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रोफेशनल लग रहा है हमारा मोरपंख भी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, इस पर डन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देते हैं हम। इसको सिंपली इसको भी लगा देते हैं हम यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको इरेज पर क्लिक कर देना है और ऊपर का जो पार्ट है इसे हम इरेज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये भी हमारा सिंपली बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब आपको इस PNG को लेना है, यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है, इसको लेना है आपको और इसको हम ऐसे इसको सीधा करके हम ऐसे लेंथ को बड़ा करके इसको हम साइड में ऐसे लगा देंगे। आप देख सकते हैं अब कितना प्रोफेशनल लग रहा है हमारा फ़ोटो। थोड़ा इसकी लेंथ को छोटा कर देते हैं। आप देख सकते हैं अब कितना बढ़िया लग रहा है फ़ोटो।
फिर आपको दूसरे पीएनजी को ले लेते हैं हम। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा तीसरा पीएनजी, इसको भी हम सिंपली ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली अब आपको श्री कृष्ण का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, इसको आपको ले लेना है और यहाँ पे आपको ऐसे साइड में रख लेना है। अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से साइड में भी आप रख सकते हैं, यानी कि आप नीचे भी रख सकते हैं अगर आप साइड में नहीं रखना चाहते, इसको ऐसे रख देना है। और इस पीएनजी को ले लेते हैं हम, इसकी लेंथ को ऐसे बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं अब कितना प्रोफेशनल लग रहा है हमारा फ़ोटो, इतना बढ़िया तरीके से हमारा फोटो तैयार हो चुका है कृष्णा जन्माष्टमी का। आप देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया तरीके से लग रहा है, एचडी में हो चुका है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप श्री कृष्ण के मेरी तरह भक्त हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।